इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से अगर वहाँ पर 4200 का गेट पर दिया जा रहा है, तो ये जो साथी ट्रैकमैन है ये पूरी तरह पर डिजर्व करते हैं और इनको भी 4200 का गेट पर मिलना चाहिए। काफ़ी बैंक वहाँ से बात इस बात पर सहमति बनी कि अगर दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है तो यहाँ पर भी उसके बारे में विचार किया जाएगा। तो मुझे आशा है कि अभी रेलबोर इस बारे में पूरा विचार करेगा और हमारे तमाम जो ट्रैकमेंट्स होती है उनको आने वाले समय में ध्यान से कर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 4200 ग्रेड का प्रमोशन एमसीएफ के रूप में ट्रैक मेंटेनर को मिलेगा और ये खुद एआरएफ के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला था। तो दोस्तों, क्या सच है और क्या झूठ है, पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं कि 4200 ग्रेड मिलेगा तो कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा और 1900, 2200, 2800 ग्रेड को भी क्या लाभ होगा या नुकसान होगा, कब मिलेगा 4200 ग्रेड का एमसीएफ प्रमोशन। तो दोस्तों, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी लेके आया हूं, पूरा डिटेल से वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं मस्तराम मीना इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल में आपको ये वीडियो दिखाने की पूर्णतः कोशिश करूंगा, जिसमें आप सच्चाई जान सको, अच्छाई जान सको, लाभ जान सको, हानि जान सको। दोस्तों, 4200 ग्रेड का अगर प्रमोशन होता है तो आपको पता है कि रेलवे या प्रशासन या सरकार कोई भी अधिक वित्तीय आय नहीं देगा। आपको पता है कि 10, 20, 50 स्ट्रेचिंग प्रमोशन जब लागू किया गया है तो कुछ सीटें ट्रैकमेंटर की सरेंडर कर दी गई थी और उसके अंदर ही वित्तीय आय का जोड़ करके फिर 10, 20, 20, 50 लागू किया गया था। तो उसी तरह से 4200 ग्रेड एमसीएफ में अगर प्रमोशन होता है तो वही ट्रैकमेंटर की सीटें का सरेंडर किया जाएगा। दोस्तों, कितना किया जाएगा, मान लीजिए उदाहरण के रूप में, मान लीजिए 10% 4200 एमसीएफ के रूप में ट्रैक मेंटेनर सीनियरिटी ग्रेड के अनुसार जाता है, 2 साल में प्रमोशन होता है, 10% उदाहरण ही बता रहा हूं दोस्तों कितना होगा, क्योंकि सीट गठित की जाएगी। जैसे 10% ट्रैक मेंटेनर 2800 ग्रेड में लेना है, 20% और 2800 और 1900 लेना है और 50% में 1800 रखना है, तो 4200 ग्रेड में कितने सीटें रखेंगे उदाहरण के रूप में, मान लीजिए 10%। तो दोस्तों, 10% जो सीटें हैं वो 4200 ग्रेड में कर्मचारी जाएगा सीनियरिटी ग्रेड के अनुसार। मान लीजिए डिवीजन लेवल पे 6000 ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी है, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, कितना भी हो सकता है, 6000 ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी है तो 10% आप जानते हो कि ग्रेड प्रमोशन होता है तो 2800 ग्रेड में ही होता है और सीनियरिटी अगर मान लीजिए रैंकर कोटे से भर्ती निकलती है कभी जेई की तो वो सीनियरिटी ग्रेड डिवीजन लेवल पे ही देखा जाता है। तो डिवीजन लेवल पे मान लीजिए 6000 ट्रैक मेंटेनर कुल मंडल में है तो उसका 10% हिस्सा होगा 400 ट्रैक मेंटेनर। अब 400 ट्रैक मेंटेनर 2800 ग्रेड में जाता है और उसकी सीनियरिटी डिवीजन लेवल पर बनती है जेई रैंकर कोटे के प्रमोशन के लिए। तो उसी तरह से 4200 ग्रेड का प्रमोशन का 5% या 10% अगर जितना भी रखेगी रेलवे बोर्ड उतनी सीटें सरेंडर कर दी जाएगी। मान लीजिए 600 ट्रैक मेंटेनर है और 4200 10% देना है, हर साल 60 आदमी देना है, 600 का 10% मान लीजिए 4200 देना है तो 60 आदमी एमसीएफ 4200 ग्रेड का बनेगा। अब एमसीएफ 4200 ग्रेड का बनेगा तो उसके लिए 600 सीट मतलब 600 सीट सरेंडर होगी, 6000 मंडल लेवल पे है उसमें 600 सीटें सरेंडर होगी, तो ये नुकसान है क्योंकि उसके अंदर से ही पैसा निकाल कर वित्तीय आय निकाल कर ही 4200 को देना है और पीछे से 600 सीटें सरेंडर कर दी जाएगी ट्रैक मेंटेनर के, आने वाली भर्ती में 600 सीट कम निकल कर आएगी आने वाले समय में, तो ये तो हुआ नुकसान। अब दोस्तों, मैं लाभ बता दूं कि 4200 ग्रेड से लाभ क्या होगा कि मान लीजिए डिवीजन लेवल पर रैंकर कोटे में 2800 ग्रेड से सीनियरिटी होती है उसमें से ही उदाहरण के तौर में एम से 4200 होता है तो 10% एम से बनेगा, काम वही रहेगा, कोई जेई नहीं बनेगा, एम से बनेगा वो जमादार रहेगा, वही ट्रैक में काम करेगा, ऐसा नहीं कि वो जेई बन जाएगा। तो केवल उन लोगों का स्ट्रेचिंग प्रमोशन एमसीएफ के रूप में 4200 ग्रेड में हो रहा है, जैसे आर्टिजन स्टाफ, आर्टिजन स्टाफ में 4200 का होता है परंतु काम उसको वही करना होता है जो पहले किया जाता था। तो दोस्तों, उसी तरह से अगर 4200 में 10% जाते हैं तो 2800 ग्रेड में सीटें जो पद खाली होंगे उन लोगों को 2400 से भरा जाएगा और 2400 में जो खाली होती है वो 1900 से भरा जाएगा, ये तो लाभ रहा परंतु सीट सरेंडर होना तय है। तो दोस्तों, इस तरह की मैं बातें लेके आता हूं और यही नहीं, आप जानते हो कि 2003 के बाद में सबसे ज्यादा अगर ग्रुप डी में प्रमोशन होता है तो वो होता है ट्रैक मेंटेनर का।
पहले 3% तक टैक्स ग्रेड का, उसके बाद में 6% किया गया है, उसके बाद में 10% किया गया है, और अब 10% के रूप में 4200 ग्रेड का एमसीबी बनेगा। यह शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट में भी डाल रखा कि जल्दी ही आर्टिजन की स्टाफ की तरह एक ट्रेक मेंटेनर भी 4200 ग्रेड का प्रमोशन के लिए जाएगा। तो यह भी कुछ ट्रेक मेंटेनर यूनियन का यह भी माना जा रहा है, कुछ संगठनों का यह भी माना जा रहा है कि एलडीसी ओपन टू आल भी होना चाहिए, परंतु शिव गोपाल मिश्रा जी और वेस्टर्न रेलवे के डब्ल्यूआरयू के महामंत्री जेआर भोसले ने यह भी कहा है कि जल्द ही यह भी कुछ खबरी देखने को मिलेगी कि एलडीसी ओपन टू आल का मेमोरेंडम भी भेलपुर से निकलेगा। तो दोस्तों ये क्यों होने लगा कि सभी ट्रेक मेंटेनर पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो अपना हक अधिकार मांगता है, तो ये हक अधिकार की मांग संगठनों तक पहुंची, रेल बोर्ड तक पहुंची, और AITU ने भी बहुत सहयोग दिया ट्रेक मेंटेनर का। तो दोस्तों अगर हम हमारी मांग के लिए नहीं लड़ेंगे और हमारी मांग नहीं रखेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, उसी तरह से हमारी मांग, हमारी डिमांड हमेशा संगठन के थ्रू प्रशासन के लिए मांगते रहिए, कर्मचारी के लिए। दोस्तों नमस्कार।